अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद नागदा इकाई द्वारा फातिमा कॉन्वेंट स्कूल प्रबंधन को छात्रों एवं शिक्षकों की विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए एक ज्ञापन प्रेषित किया गया है, जिसमें निराकरण की मांग की गई है। ज्ञापन में नगर मंत्री जुबैर कुरैशी ने बताया कि फातिमा स्कूल प्रबंधन द्वारा विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावकों को फीस भरने के लिए जिस प्रकार से मैसेज करके दबाव बनाया जा रहा है, उसके कारण बच्चों का परिवार मानसिक तनाव में है, क्योंकि प्रबंधन द्वारा लॉकडाउन समाप्त होते ही फीस मांगने के लिए मैसेज भेजे जा रहे हैं। स्कूल प्रबंधन द्वारा पेरेंट्स मीटिंग के बहाने अभिभावकों से फीस कार्ड मंगवाते हैं और दूसरे अभिभावकों के सामने शर्मिंदा करते हैं। यह एक शर्मनाक कृत्य है। कुरैशी ने यह भी बताया कि प्रबंधन द्वारा बच्चों के साथ साथ शिक्षकों के साथ भी मानसिक तनाव देने वाला व्यवहार किया जा रहा है। उन पर दबाव बनाया जाता है कि वे अभिभावकों के फीस के लिए फ़ोन करें, और जो कि शिक्षकों की सेहत पर बुरा असर डाल रहा है। शिक्षक पहले से ही ऑनलाइन पढ़ाई करवाने में दबाव में रहते हैं और उन्हें काफ़ी मेहनत भी करना पड़ती है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने स्कूल प्रबंधन से बच्चों एवं शिक्षकों के हित में उचित व्यवहार एवं कार्रवाई करने की मांग की है, नहीं तो उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी। समस्या हेतु महोदय, उपरोक्त विषय में निवेदन है कि जिस तरह अभिभावकों को मैसेज करके फीस भरने के को कहा जा रहा है, इसे देखकर प्रतीत होता है कि आप मानसिक तनाव दे रहे हैं, क्योंकि लॉकडाउन के बाद तुरंत आपने फीस मांगने का कार्य प्रारंभ किया था कर दिया था। आप अभिभावकों को पेरेंट्स मीटिंग का बहाना करके उनसे फीस कार्ड मंगवाते हो और दूसरा पेरेंट्स के सामने शर्मिंदा करवाते हैं, जो कि बिल्कुल उचित नहीं है। आप हमें ये बताएं कि आपने आखिरी बार आरटीई के एडमिशन कब लिए थे और उसे तुरंत बंद करने की वजह क्या थी। आप किस नियम के तहत अप्रैल व जून माह की फ़ीस मांग रहे हैं, जबकि आपके स्कूल 15 जून से खुले हैं और उन्हें चालू हुए एक महीना ही हुआ है। जिस तरह से शिक्षकों को प्रेशराइज किया जा रहा है कि अभिभावकों को फ़ोन करने के लिए वह उनकी सेहत के लिए बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि पहले ही बच्चों को ऑनलाइन क्लास पढ़ाई जा रही है और शिक्षक पहले से प्रेशराइज हैं। अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि उचित कार्रवाई करने के लिए कृपा करें, अन्यथा अभाविक उग्र आंदोलन करेगा। जिंदाबाद जिंदाबाद अभाविपा जिंदाबाद 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 भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम वंदे मातरम। स्टूडेंट्स पावर नेशंस पावर स्टूडेंट्स पावर नेशंस पावर। हम आपसे चर्चा कर लेते हैं 7 दिनों के अंदर। धन्यवाद सर।
आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद नागदा इकाई द्वारा छात्रों की समस्या हेतु फातिमा स्कूल में ज्ञापन देकर मांग की गई, जिसमें विद्यार्थियों को फीस के लिए दिन में चार चार बार फ़ोन किए जा रहे हैं, प्रताड़ित किया जा रहा है, टीचरों को भी प्रताड़ित किया जा रहा है। टीचर पहले ऑनलाइन क्लास लेते हैं, उसके बाद भी टीचरों को फोर्स किया जाता है कि आप विद्यार्थियों को कॉल करें। इससे टीचर भी परेशान हो रहे हैं, टीचरों ने भी हमसे संपर्क किया है इस मैटर में। स्कूल प्रबंधन से हमने मांग की है, जो भी हमारी मांगे हैं वो जल्द से जल्द पूरी की जाएँ, अतः विद्यार्थी परिषद उग्र आंदोलन करेगा। अगर किसी भी पेरेंट्स को कोई समस्या है किसी भी स्कूल रिलेटेड, तो विद्यार्थी परिषद से संपर्क करें।